सब्सक्राइब कीजिए सोहेल कंप्यूटर चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोहेल फारूक, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सोहेल कंप्यूटर्स। बहुत से कस्टमर ने डिमांड की थी कि डेल कंपनी के 15.6 इंच स्क्रीन साइज लैपटॉप का रिव्यू दें, तो आज की वीडियो में डेल कंपनी के लैटिट्यूड सीरीज लैपटॉप का फुल रिव्यू करेंगे। लैटिट्यूड सीरीज लैपटॉप का मॉडल नंबर क्या है और इसकी स्पेक्स क्या है, वो सब कुछ हम आपको वीडियो में बताएंगे। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इस लैपटॉप के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, डेल कंपनी के लैटिट्यूड सीरीज लैपटॉप का टॉप व्यू आपके सामने है। सबसे पहले बात करते हैं इस लैपटॉप के मॉडल नंबर के बारे में। डेल लैटिट्यूड E6530 इस लैपटॉप का मॉडल नंबर है। डेल लैटिट्यूड E6530 लैपटॉप की बैटरी के बारे में बात करते हैं। यहाँ से इसको लॉक को हमने पुश किया और इसके बाद इस बैटरी को हमने बाहर निकाल लिया। ये इस लैपटॉप की जेन्युइन बैटरी है। डेल की जो ये बैटरी 65 वाट है। इसका जो बैटरी बैकअप है वो है 4 से 6 आवर्स। दोस्तों, डेल लैटिट्यूड E6530 लैपटॉप का टॉप व्यू आपके सामने है। सबसे पहले ये देखें, यहाँ पर डेल कंपनी का जेन्युइन मोनोग्राम है। अब बात करते हैं इस लैपटॉप के कलर और बॉडी मटेरियल के बारे में। इस लैपटॉप का जो कलर है वो ग्रे ब्लैक कलर कहलाता है। इस लैपटॉप का जो बॉडी मटेरियल है वो बहुत ही आउट क्लास है। कंपनी ने प्योर मेटेलिक मटेरियल यूज़ किया हुआ है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये बहुत सॉलिड है। ये अगर गिरता भी है तो इसमें टूटने के इसके चांस कम है। नहीं तो कुछ लैपटॉप ऐसे होते हैं डेल के जिनके गिरने से उनकी LED स्क्रीन डैमेज हो जाती है, लेकिन ये लैपटॉप है, इसकी जो बॉडी की मटेरियल की शेप बनाई हुई है उन्होंने, ये देखेंगे यहाँ पर कर्व दिया हुआ है, वो गिरे भी तो शॉक जो है LED को मुकम्मल ना आए, इसकी वजह से ये लैपटॉप की स्क्रीन सेव रहती है। दोस्तों, अब इस लैपटॉप का 360 एंगल पे व्यू आपको करवाते हैं। दोस्तों, ये इस लैपटॉप का फ्रंट व्यू है। ये इस लैपटॉप का सेकंड व्यू है। ये इस लैपटॉप का बैक साइड का व्यू है। ये इस लैपटॉप का दूसरी साइड का व्यू है। दोस्तों, डेल लैटिट्यूड E6530 लैपटॉप का फ्रंट व्यू आपके सामने है। सबसे पहले बात करते हैं इस लैपटॉप की स्क्रीन साइज़ के बारे में। इस लैपटॉप का जो स्क्रीन साइज़ है वो 15.6 इंच है। 15.6 इंच स्क्रीन साइज़ है इस लैपटॉप का। ये वाइड स्क्रीन LED पैनल है। इसके अलावा एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी इस LED के अंदर बिल्टन है। इस लैपटॉप के ऊपर आप HD मूवीज या कोई गेम प्ले करते हैं, आजकल जो PUBG गेम आई है उसको प्ले करते हैं, उसका रिजल्ट बहुत ही आउट क्लास है। इस लैपटॉप के टॉप के ऊपर आपको एक वेबकैम नज़र आ रहा है, ये HD वेबकैम है। इसकी मदद से आप अपनी पिक्चर और वीडियोस बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन चैट करते हैं तो ऑनलाइन चैट में भी इसका रिज़ल्ट बहुत ही आउट क्लास है। दोस्तों, ये इस लैपटॉप का बॉटम व्यू है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, उनके बारे में डिटेल आपको देते हैं। ये देखेंगे यहाँ सबसे पहले पावर बटन है, इससे आप लैपटॉप को ऑन और ऑफ़ करेंगे। इसकी दूसरी साइड के ऊपर आपको यहाँ पर 3 बटन नज़र आ रहे हैं। इनमें एक साउंड म्यूट का है, एक वॉल्यूम कम करने का और एक वॉल्यूम ज़्यादा करने का है। इस बटन के टॉप के ऊपर इंडिकेटर बने हुए हैं। ये इसमें एक बैटरी बैकअप का इंडिकेटर है, एक HDD का और एक वाईफाई का। जब हम इस लैपटॉप को ऑन करेंगे तो ये इंडिकेटर देखें ब्लिंक कर रहा है, ये HDD का इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। इसी तरह वो बैटरी बैकअप और वाईफाई का इंडिकेटर भी ब्लिंक करेगा। दोस्तों, यहाँ पर भी देखें, कंपनी ने डेल लैटिट्यूड E6530 जो इसका जेन्युइन मॉडल है वो यहाँ पर पंच किया हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस लैपटॉप के कीबोर्ड के बारे में। इस लैपटॉप के अंदर फुल साइज़ कीबोर्ड इंस्टॉल्ड है। ये देखेंगे यहाँ पर नमपैड, एक्स्ट्रा जो कीबोर्ड होता है वो नमपैड की सूरत में होता है, वो इंस्टॉल्ड है। 15.6 इंच स्क्रीन साइज़ के जितने भी लैपटॉप आते हैं उनके अंदर जो है फुल कीबोर्ड लगा होता है, जिनके अंदर नमपैड इंस्टॉल्ड होता है। इस लैपटॉप की जो कीज़ है वो बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आप इस पर टाइपिंग कर रहे हैं तो इसकी स्पीड बहुत ही आउट क्लास है। इसके अलावा हर की बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये देखें ऑरेंज कलर के, ब्राइटनेस कम और ज़्यादा करने के। इसके अलावा इसके टॉप के ऊपर स्लीप मोड का ऑप्शन है, लॉग इन लॉग आउट का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको स्क्रीन मिरर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये स्क्रीन मिरर का ऑप्शन है, अगर आप अपने लैपटॉप का डिस्प्ले बड़ी स्क्रीन पर लेना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को फंक्शन की प्रेस करके प्रेस करेंगे तो आपके LCD जो है लैपटॉप की, इसका जो भी डिस्प्ले होगा वो आपकी बड़ी स्क्रीन पर आ जाएगा। इस लैपटॉप की एक खास बात है कि दोस्तों, इस लैपटॉप की जो शेप है बहुत ही आउट क्लास बनाई हुई है। ये देखेंगे यहाँ पर कीबोर्ड के ऊपर बहुत आउट क्लास कंपनी ने डिज़ाइनिंग की हुई है। यहाँ पर देखें मुकम्मल जो है इसका पैनल बना हुआ है जो मेटल का है, उसके अंदर कीबोर्ड इंस्टॉल्ड है जो इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करता है। ये इस लैपटॉप का माउस टच पैड है जो बहुत ही स्मूथ है। इसके राइट और लेफ्ट बटन है। इसके अलावा इसके टॉप के ऊपर भी राइट और लेफ्ट बटन है जो प्योर मेटल से बने हुए हैं। अगर आपके बॉटम के बटन ख़राब हो जाएं तो आप टॉप के बटन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक और माउस मौजूद है, ये देखेंगे यहाँ पर भी
एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये माउस है इसका। दोस्तों अब बात करते हैं इस लैपटॉप की स्पेक्स के बारे में। इस लैपटॉप के अंदर इस वक्त जो प्रोसेसर स्टार्ट है उसका जेन्युइन स्पीकर जो है इसके बॉटम के ऊपर मेंशन है। कोर i5 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर इस लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल है, जिसकी सीरीज़ है 3230M। 3230M इस लैपटॉप के प्रोसेसर की सीरीज़ है। इसकी जो स्पीड है 2.6 GHz है, इसकी मैक्स टर्बो स्पीड 3.2 GHz है। इस लैपटॉप के अंदर इस वक्त जो मदरबोर्ड लगा हुआ है उसका मॉडल नंबर है इंटेल Q77X चिपसेट। इस मदरबोर्ड के अंदर एक खास बात है कि ये इंटेल कोर i7, इंटेल कोर i5 और इंटेल कोर i3 थर्ड जनरेशन तक ये तमाम प्रोसेसर सपोर्ट करता है। इस लैपटॉप के अंदर इस वक्त 4GB DDR3 रैम इंस्टॉल्ड है। दो रैम की स्लॉट इसके अंदर मौजूद होती हैं। मैक्सिमम सपोर्ट जो रैम की है वो 16GB है। इसके अलावा 320GB साटा हार्ड ड्राइव इस लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल्ड है। इस लैपटॉप के अंदर आप साटा हार्ड ड्राइव अपग्रेड कर सकते हैं, 1TB 2TB तक इजीली सपोर्ट करेगा। इसके अलावा अगर आप SSD हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस लैपटॉप के अंदर SSD हार्ड ड्राइव भी इंस्टॉल हो जाएगी। वाईफाई और ब्लूटूथ डिवाइस इस लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल्ड है। वाईफाई डिवाइस की मदद से आप इस लैपटॉप के ऊपर नेट चला सकते हैं और ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों डेल लैटिट्यूड E6530 लैपटॉप के अंदर जो पोर्ट्स हैं उनके बारे में मज़ीद डिटेल आपको देते हैं। दोस्तों ये लैपटॉप की बैक साइड है, यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट नज़र आ रहा है, यहाँ पर लैपटॉप का चार्जर लगेगा। इसके अलावा एक अदर USB पोर्ट है। इस लैपटॉप की दूसरी साइड के ऊपर इथरनेट पोर्ट है, इसको लैंड पोर्ट कनेक्टर भी कहते हैं। इसकी मदद से आप अपना नेट यहाँ पर DSL केबल लगा कर चला सकते हैं और इसके अलावा दो कंप्यूटर को या लैपटॉप को शेयर करके डाटा भी एक दूसरे का यूज़ कर सकते हैं। ये इस लैपटॉप की दूसरी साइड है, यहाँ पर देखें HDMI पोर्ट मौजूद है, ये फुल HD रेजोल्यूशन पोर्ट कहलाती है। इसके अलावा eSATA पोर्ट के ऑप्शन मौजूद है, USB पोर्ट की एक अदर ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आ रहा है जिसके ऊपर वाईफाई बना हुआ है, ये वाईफाई को ऑन और ऑफ़ करने का। ये देखें कि अब मैंने वाईफाई ऑफ़ कर दिया, अब इसको ऑन करना है तो यहाँ से बटन को प्रेस करूँगा तो ये वाईफाई ऑन हो जाएगा। यहाँ पर PCMCI कार्ड लगते हैं। यहाँ पर देखें कि नीचे आपको DVD राइटर नज़र आ रहा है, ये DVD राइटर भी कहते हैं और इसको सुपर कॉम्बो भी कहते हैं। ये इस लैपटॉप की दूसरी साइड है, यहाँ पर आपको VGA पोर्ट मिलती है। इस पोर्ट की मदद से आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन का डिस्प्ले दूसरी बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके अलावा USB पोर्ट यहाँ पर भी मौजूद है, माइक्रो और ऑडियो कम्बो जैक यहाँ पे मौजूद है, SC कार्ड की लगने की जैकेट यहाँ पे मौजूद है। ये इस लैपटॉप का फ्रंट व्यू है, यहाँ पर लेफ्ट और राइट पे आपको दो स्पीकर नज़र आ रहे हैं इस लैपटॉप के। यहाँ पर SD कार्ड लगने का ऑप्शन मौजूद है, अगर आप अपने DSL कैमरे का कार्ड डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर हो। इसके अलावा जो दोस्त इस लैपटॉप को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी हर वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।